Hey guys, welcome to my YouTube channel. So, आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक फुल मेकअप लुक शेयर करूंगी और इसमें मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करूंगी उसका प्राइस अंडर 250 रुपीज में होगा। तो ये है बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल प्राइस में भी हो जाएगा ये मेकअप। तो वीडियो या फिर मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ मैं जो भी प्रोडक्ट्स आज यूज करूंगी वो सब प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। फर्स्ट मेरे पास फाउंडेशन के लिए जो प्रोडक्ट है वो है मैट लुक हाई कवरेज फाउंडेशन। इसमें SPF 25 भी है और ये आप लोगों को 250 रुपीज में या फिर 260 रुपीज में इजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट आई है नियॉन स्टूडियो कंटूर पैलेट। तो ये बेसिकली एक पाउडर कंटूर पैलेट है, इसका प्राइस है 230 रुपीज। तो इसमें बेसिकली 4 सेट मिल जाएगा आप लोगों को, ये सारा पाउडर फॉर्म में है। तो ये पाउडर कंटूर, ये पाउडर ब्रॉन्जर एंड ये एक शिमरी शेड है, इसको आप लोग एज ए हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। एंड ये एक कॉम्पैक्ट है तो इसको आप लोग एज अ कंसीलर यूज कर सकते हैं, पाउडर कंसीलर अपने अंडर आई को सेट करने के लिए। सो नेक्स्ट मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है ये मैलियो मूनलाइट मैजिक हाइलाइटर पैलेट। तो बेसिकली ये एक हाइलाइटर पैलेट है एंड इसका प्राइस है 220 रुपीज। इसमें आप लोगों को 6 हाइलाइटर्स मिल जाएगा, 6 शेड्स ऑफ हाइलाइटर्स मिल जाएगा। इसमें एक पिंक शेड है, एक गोल्डन है, कॉपरी शेड है, एक ये कैसे बोल सकती हूँ इसको मैं, एक गोल्डन एंड पिंक मिक्स करके जो शेड आता है वो शेड है। एंड इसका जो पिगमेंटेशन है ना वो पूरा बटरी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, देख सकते हैं आप लोग, देखिए। नेक्स्ट मेरे पास एक आई ब्रशेस का सेट है, वो ये है 12 आई ब्रशेस का सेट। इसमें आप लोगों को आई ब्लेंडिंग ब्रश, अब ब्लेंडिंग ब्रश में भी आप लोगों को स्मॉल ब्लेंडिंग, मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश, लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश सब कुछ मिल जाएगा। एंड स्मजर ब्रश, एंगल ब्रश, फ्लैट ब्रश सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। और ये कोई ब्रांड का नहीं है बट इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मेरे पास 3 लिपस्टिक्स है एलिएटिंग का। फर्स्ट जो शेड मेरे पास है वो है मॉव डेट। इसका पिगमेंटेशन मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये है, ये एक मॉविश कलर है और इसका शेड नेम है मॉव डेट। नेक्स्ट मेरे पास जो शेड है वो है ये, तो ये बेसिकली एक रोज पिंक शेड है और इसका पिगमेंटेशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसका स्वाच है ये रहा, एक रोज पिंक कलर है इसलिए इसका नाम है रोज पिंक। ये शेड मुझे बहुत ही पसंद है। नेक्स्ट आई हैव दिस इज डार्क पिंक या फिर इसका नाम है डिप पिंक। तो ये एक शेड है, ये रहा ये कलर। तो मैंने ये 3 लिपस्टिक्स भी खरीदा है नायका मेले, जितना भी प्रोडक्ट दिखाया है वो सब का मैंने कहाँ से बाय किया है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग जरूर चेक कर सकते हैं। और ये 3 लिपस्टिक्स मैंने नायका से खरीदा है, तो ये 3 लिपस्टिक्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब आज का मेकअप लुक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं कॉम्पैक्ट यूज करूंगी और कॉम्पैक्ट के लिए मेरे पास जो ऑप्शन है वो है ये, इसमें से ये जो पाउडर शेड है इसको मैं अप्लाई करूंगी एज अ कॉम्पैक्ट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प लेके। ओके, सो मैंने कॉम्पैक्ट भी यूज कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी कंटूर। तो कंटूर के लिए मैं सेम इस पैलेट से ये दोनों शेड मिक्स करके कंटूर अप्लाई करूंगी। तो कंटूर के लिए मेरे पास तो कोई कंटूर ब्रश है नहीं आज, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही कंटूर अप्लाई करूंगी। तो मैंने कंटूर अप्लाई कर लिया है। अब कंटूर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट आता है ब्लश, और ब्लश के लिए तो मेरे पास आज कोई ऑप्शन है नहीं, तो ब्लश के लिए मैं क्या यूज करूंगी, मैं जो लिपस्टिक है एंड लिपस्टिक का जो ये डार्क पिंक शेड है इसको ही मैं एज अ ब्लश अप्लाई करूंगी।
तो ब्लश के बाद आता है हाइलाइटर, और हाइलाइटर के लिए मेरे पास एक हाइलाइटर पैलेट है। तो इस पैलेट से ये जो पिंक शेड है इसको मैं, इस शेड को मैं एज अ हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। तो मैंने ब्रश में थोड़ा सा लेके एज हाइलाइटर अप्लाई, देख सकते हैं आप लोग हाइलाइटर का पिगमेंटेशन कितना अच्छा है। तो हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है मैंने, और एक प्रोडक्ट दिखाना मैं आप लोगों को भूल गई थी, वो ये एक स्केच लाइनर, एंड ये जो ब्रांड है वो है यंकिना। हाँ, यंकिना, YANQYNA, यंकिना या फिर यंकिना, आप कोई भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो इसको एक स्केच लाइनर है, तो इससे हेल्प से मैं एक लाइनर ड्रॉ करूंगी, एक बेसिक सा लाइनर ड्रॉ करूंगी। ओके, सो मैंने लाइनर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, तो लिपस्टिक के लिए मैं डार्क पिंक शेड ही अप्लाई करूंगी। ओके, सो आज के लुक अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को कर सकते हैं आप लोग सब्सक्राइब। रेड कलर के बटन को प्रेस करके आप लोग कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे फ्यूचर में जितना भी मेरा अपडेट रहेगा, वीडियो रहेगा, उससे आप लोग सबसे पहले नोटिफाई रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, टाटा, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।